इफ कैटेगरी के फॉर्मूले में कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले उसके बारे में जान लीजिए जो हमने सॉरी जो हमने पढ़ा अभी तक। वो पढ़ा है इफ, हमने पढ़ा है एंड, हमने पढ़ा है और पढ़ा है हमारा इफ एरर। ये चार फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं, राइट सर। यस सर। अब इसमें एक फॉर्मूला और भी है वो जानते हैं, वो है और के जगह पे एक फॉर्मूला हमारे पास आता है एक्स और का। एक्स और का फॉर्मूला क्या है? जैसे कि दो चॉइसेस दी गई है आपको, तो आपको दोनों में से कोई एक चॉइसेस को चूज करना है। जैसे आपको ट्रांसफर चूज किया गया है, या फिर हमारे क्लास मीडियम चूज किया गया है, या आपको मंडे टू फ्राइडे लेना है, या फिर आपको लेना है सैटरडे एंड संडे मान लीजिए। और यहाँ पे मुझे स्टेटस शो करना है। अब कंडीशन ये है कि पर्सन जो है इस दोनों में नहीं लगा सकता वाई, एक में वाई होगा तो एक में नो होगा, तो दोनों को ब्लैंक नहीं छोड़ सकता और दोनों को वाई नहीं कर सकता, कोई एक वाई होगा। तो इस चीज को ढूंढने के लिए हमारे पास एक्स और फॉर्मूला होता है। एक्स और, हमने इसको चूज किया इक्वल टू वाई कॉमा, इसको चूज किया इक्वल टू वाई। अब देखिए ट्रू आया। अब मैं दोनों में वाई कर दूं तो फॉल्स आएगा, और दोनों में एन कर दूं तो फॉल्स होगा। कोई एक वाई या कोई एक एन हो जाएगा तो ट्रू आएगा। अब बोलेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज ज्यादातर हम डेटा वैलिडेशन में करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं यहां पे दो चीजें हैं कि हमारी कंपनी में एक दिक्कत है कि अगर आपने एडवांस ले लिया तो आपको जो है इंसेंटिव नहीं दी जाएगी। अब मुझे दे रहा है कि अगर मैं 500 यहाँ टाइप किया तो मैंने मान लीजिए एडवांस में मैं पैसा टाइप कर चुका हूं, तो मैं यहां पे टाइप ही नहीं कर पाऊ। अगर मैंने इंसेंटिव अगर दे दिया है तो मैं एडवांस में टाइप ही नहीं कर पाऊ, मतलब कि इन दोनों में से मैं किसी एक में ही टाइप कर पाऊंगा। समझिए कि नहीं सर? यस सर। तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन में एक्स और फॉर्मूला इस्तेमाल करें। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे कस्टम फॉर्मूले के लिए जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है, और यहाँ पे एक्स और लगेगा, और एक्स और में हम बोलेंगे दैट इज ग्रेटर देन 0 और फिर कॉमा दैट इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू और हमने इसको फ्रीज कर दिया और इसको भी फ्रीज कर दिया क्योंकि मुझे ड्रैग भी तो करना है ना। कॉपी किया और इस पूरे एरिया को सेलेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन। अब यहां पे मैंने 500 टाइप कर दिया, ले लिया। अब मैं यहां पे 65 एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं किया ना सर। यस सर। और मैंने यहाँ पे 900 टाइप कर दिया और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे और भी जगहों पे एक्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। क्लियर एक्स और फॉर्मूले? हेलो। यस सर। अब अगला फॉर्मूला आता है नॉट का। नॉट फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला क्या होता है? जैसे किसी फॉर्मूले के रिजल्ट ट्रू आया हुआ है बट किसी कारण से कहीं पे आपको उसको फॉल्स यूज करना है, तो नॉट फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। इसका यूज कई जगहों पे होता है। आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पे लेटेस्ट जो वीडियोज है जिसमें मैंने डाला हुआ है कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में से नंबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां पे मैंने इस फीचर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में, नॉट के बारे में, ठीक है?
नॉट के बाद यहाँ फॉल्स से ट्रू तो नॉर्मल है, इफ एरर हो गया। इफ एरर के साथ साथ आपके साथ एक होता है इफ एन ए। इफ एन ए का फॉर्मूला क्या है कि आपका इफ एन ए, जैसे कि कोई एरर आ रहा है तो जैसे ये एरर आया डी आई डी, तो इफ एरर फॉर्मूला इसको भी रीड करेगा, इसके जगह पे आप जो देना चाहे दे सकते हैं। अगर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट और एरर आया था एरर की जगह पे देगा। लेकिन इसी में अगर आप इफ एन ए लगा दें तो सिर्फ वो एन ए एरर को रीड करता है। तो इस तरह के इफ एन, अब इसमें दो फॉर्मूले बच जाते हैं स्विच और आईएफएस। सबसे पहले स्विच फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि वन यहां पे सिटी सिटी कोड है, यहां पे वन और यहां पे सिटी है। मैं चाहता हूं यहां पे स्विच फॉर्मूला लगाऊं। अगर ये वन है एक्सप्रेशन हमने यहां पे दे दिया, मेरी टारगेट किसको करना है इसको, मैं बोला वन है तो यहां पे दिल्ली है, टू है तो मुंबई है। तो इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं, बार बार इफ लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सर तो स्विच फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? यस सर। लेकिन सर कहाँ पे क्या बोले यूज कैसे होगा, मतलब कहाँ पे होगा सर इसका यूज स्विच फॉर्मूला? यूज होता है जैसे आपके पास मल्टीपल चॉइस है उसमें आप देना चाहते हैं भाई, मान लीजिए ना आपको आपके पास कोड डाला हुआ है, कोड की भी आप नेम देना है, पांच छह कोड है तो इफ लगाना पड़ेगा ना सर। ओके उसके जगह पे स्विच लगा दीजिए। ओके ये अगर वैल्यू ए, अगर मान लीजिए वैल्यू ए आए तो दिल्ली शो कर दे, अगर सी आए की वैल्यू अगर ए आए तो मुंबई शो कर दे, अगर थ्री आए तो कोलकाता शो कर दे, समझे? ओके सर ये ओनली टेक्स्ट के जरिए होगा तो फॉर्मूला अंदर लगेगा तो नहीं होगा? नहीं इसमें टेक्स्ट नंबर सब भी कर सकते हैं। जैसे आप आपके पास क्वांटिटी है, ठीक है ना, आपका आप चाहते हैं कि अगर किसी ने 100 क्वांटिटी सेल किया हुआ, 100 का सेल किया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है 50 रुपीज डिस्काउंट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैकिंग नहीं करना पड़ता, 100 का पैकिंग ऑलरेडी आता है, तो पैकिंग चार्ज 50 रुपीज है हम लेस कर देते हैं। अगर किसी ने 200 का ऑर्डर दिया तो इस पे हम 100 रुपीज कर देते हैं, किसी ने अगर 500 का ऑर्डर दिया तो इस पे हम जो है 200 का डिस्काउंट दे देते हैं। इस तरह के 5-7 या 15-20 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमने 100 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम स्विच का यूज करेंगे। स्विच इसको सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं अगर 100 हो, C2 की वैल्यू 100 हो तो 50 शो कर दो, अगर 200 है तो यहाँ पे 100 शो कर दे, अगर 500 है तो यहाँ पे 200 शो कर। अगर हम कुछ और नंबर डालते हैं तो यहाँ कुछ नहीं शो करेंगे। सर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगला फॉर्मूला आता है जो लास्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आता है IFS, इफ का फॉर्मूला। इसके लिए आपको जो है छोटा सा एग्जांपल देखना होगा तब समझना है। जैसे मेरे पास सेल्स की क्वांटिटी है, मुझे इस पे इंसेंटिव देना है और हमारे पास इंसेंटिव का स्लैब है। जैसे 0 to 40 है तो 500 देना है, 41 to 100 है, 100 है इसको 80 कर देता हूं, 80 है
तो यहां पे हमें देना है 1000, 81 to 100 है तो 2000, और ग्रेटर देन 100 है तो मुझे यहाँ पे 5000 देने हैं। यहाँ पे देखिए हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, आप देखिए अगर 40 है तो यहाँ पे 5000 आए, 500 है सॉरी। देन अगेन इफ लगा, क्योंकि एक इफ में एक ही कंडीशन लगता है ना सर, सर लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो यहां पे आ जाए 1000। देन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू अगर 100 है तो 2000, अदरवाइज 5000, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? यस सर यस सर कोई प्रॉब्लम? नो अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि मुझे आईएफएस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आईएफएस फॉर्मूला सेम इसी चीज के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है। आई एफ एस नया फॉर्मूला है, इसमें लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, फिर वापस हम डायरेक्ट कंडीशन दे देंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1000, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे अगर लेस देन इक्वल टू अगर वो 100 है तो 1000, अदरवाइज इसमें एल्स नहीं होता है सर, माफ कीजिएगा। अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो 5000। अब इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझिए, इसमें क्या है कि हर कंडीशन में मुझे इफ लगाना पड़ा, ठीक है, बट यहां पे मुझे हर कंडीशन पे इफ नहीं लगाना पड़ा, हमने एक ही बार लगाया, बट कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट देते चलेगा। क्लियर है? यस सर तो लॉजिकल फॉर्मूले में हमने इफ फॉर्मूले को जाना अच्छी तरीके से, कई सारे एग्जांपल्स हमने इसके ऊपर दिए, एंड के बारे में भी दिया, और के बारे में बताया, एक सॉल्व भी मैंने अभी बता दिया, इफ एरर और इफ एंड ने भी आपको बताया, छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन इसका यूज होता है आगे, नॉट फॉर्मूले के बारे में बताया, और हमने लास्ट में आईएफएस इफ्स के बारे में बताया, साथ में हमने स्विच फॉर्मूले के बारे में भी जाना। तो लॉजिकल कैटेगरी मैं यहां पे खत्म करता हूं। अब इस पे बात आती है प्रैक्टिस की और टेस्ट की, राइट? यस सर तो प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए सर प्रैक्टिस खत्म कर लीजिए, फिर हम